नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभु शरण इस वक्त आगरा में मौजूद हूं और आगरा का चुनाव बहुत नजदीक है। बताते चले कि 7 मई को यहां मतदान होगा। अब यहां देखना होगा कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो बीजेपी के सांसद थे यहां पे, एसपी सिंह बघेल, क्या फिर से वो उनको जनता मौका दे रही है, आगरा की जनता। और जब लगातार वो आगरा की जनता के बीच, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे जो भी समय रहा हो, बने रहे, क्योंकि वो कद्दावर नेता माने जा रहे हैं और राजनीतिक पीच पे लगातार खेलने वाले पारी अपनी एसपी सिंह बघेल हैं। तो वहीं सुरेश चंद कर्दम को कांग्रेस समर्थन और समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो स्वागत करते हुए शर्मा जी, आपका कि क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी का कैसा रुझान रहेगा आगरा में एसपी सिंह बघेल के माध्यम? आगरा की बात करेंगे तो आगरा की सीट तो साहब आप ये मान लीजिए बहुत ही होनहार प्रत्याशी हैं हमारे एसपी सिंह बघेल साहब, और बहुत लोकप्रिय हैं जनता के बीच में और भारी मतों से उनकी जीत होने वाली है। और मैं तो यही कहूंगा कि अब की बार 400 पार। जी ठीक है साहब, तो बीजेपी का नारा भी है यही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। कश्मीर में पत्थरबाज गायब हो गए, अमन कायम हो गया, 370 हट गई, मंदिर बन गया, और अभी क्या है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो दंगे हुआ करते थे कभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में भी, अब उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। और साहब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भय मुक्त वातावरण है यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ भय मुक्त वातावरण है, और या तो क्रिमिनल्स जेल में है और या फिर गाड़ी पलट गई है। ठीक है साहब, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आम जनता के लिए और व्यापारियों के लिए, और बहुत अच्छा माहौल है जी। और अभी विपक्ष हमलावर है और वो रोजगार को लेकर सवाल करता है, आगरा में पेयजल के संकट का इस पे सवाल करता है, तो क्या मूलभूत ये जो समस्याएं हैं आगरा की, नहीं, ये कहीं है यार? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पेयजल की अभी कोई समस्या नहीं है, और हमारे यहाँ गंगा जल की आपूर्ति बड़े पैमाने पे हो रही है, और अभी तो लगभग पूरे आगरा में ही गंगा जल की आपूर्ति कर दी गई है, और जहां रह गया थोड़ा बहुत वहां भी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, हमारे उत्तर प्रदेश का हाल एकदम मस्त है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दलित कार्ड खेल रही है सपा कांग्रेस मिल करके, सुरेश चंद कर्दम को उतार दिया है दलित वोटरों को लुभाने के लिए, तो क्या कुछ रहेगा? नहीं, ऐसा कोई वो सीन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जनता को जो सुविधाएं दी गई हैं उसके देखते हुए, उसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर और वोट मिलना है भारतीय जनता पार्टी को। यानी पूरी तरह से आश्वस्त? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त। यहाँ पे ये आपके होटल में ठहरे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप एसपी सिंह बघेल के बड़े करीबी हैं और यहाँ एसपी सिंह बघेल के लिए कैंपेन कर रहे हैं, जबकि शर्मा जी भी आपके साथ में हैं, तो आपको क्या लग रहा है आगरा को कितना निकट से आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं मोहब्बत की नगरी आगरा में मैं आपके भोजपुरी न्यूज टाइम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है साहब, स्वागत जी। 2 दिन से हम लोग आगरा में व्यापारियों के बीच में, दुकानदारों के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। हमने खुद ही देखा है आगरा की सड़कों पर चल करके कि जिस तरह से यहाँ का ताजमहल चमक रहा है, वैसे आगरा की सड़कें भी चमक रही हैं। बिल्कुल देखिए, मेरा माननीय एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री जी से बहुत पुराने संबंध हैं, और मैं जानता हूं को कितने बड़े जमीनी नेता हैं मंत्री जी। उन्होंने आगरा के लिए, हम लोग, आप भी हमारे साथ हैं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं काफी विकास हुए हैं, और बाकी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह जनपद के रहने वाले हैं, माननीय पूज्य महाराज जी जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, छात्र सुरक्षित नहीं थी, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, आज आधी आधी रात को हमारी बच्चियां आगरा की सड़कों पर घूम रही हैं, सुरक्षित है, कोई आंख दिखाने वाला नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो मैंने आगरा की सड़कों पर देखा है, माननीय एसपी सिंह बघेल जी के अंदर अगर कुछ है, तभी वो 3 बार लगातार यहाँ से सांसद बने हैं, 4थी बार भी यहाँ की जनता माननीय एसपी सिंह बघेल जी को पूरी बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ उनको अपना सांसद चुनने जा रही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा है कि अब की बार 400 पार, तो उनका सपना भी यहाँ की जनता पूरा करने जा रही है। यानी अब की बार 400 पार का सपना पूरा होगा, मोदी जी की गारंटी
ये बघेल जी के द्वारा ये पूरी होती नजर आ रही है। जी, 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 जी। ये थे राम प्रसाद जी और ये शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये लोग मिला जुला असर यहाँ पे देखने को मिला। आगरा में आगरा की सड़कें चमचमा रही है, आगरा में मेट्रो बन गया, गंगा जल की सप्लाई हो रही है। जो विपक्ष हमलावर है कि कहीं पानी की संकट है, कहीं किसानों का मुद्दा है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये बताते हैं कि ये सब गौड़ होता हुआ चला गया और इन मुद्दों में कोई दम नहीं है, सीधे सीधे विपक्ष का एक जुमला है। और इस बार फिर से मोदी जी की गारंटी आगरा को लेकर आ रही है, क्या बार 400 पार अब की बार बोल रहे हैं 400 पार। देखते रहिए कपिल संगम, समूचा देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।